अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं दरानी एफ आर इलेक्ट्रिशियन। आज हम जिस टॉपिक को बात करेंगे वह है चारकोल कनेक्टर। ठीक है, अब आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार ये जो है ना नाम सुन रहे होंगे चारकोल कनेक्टर का, और कुछ लोग होंगे जिसे पता होगा चारकोल कनेक्टर क्या है, और कुछ लोग वो होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा ये काम करता कैसे है। ठीक है ना, आज इंशाल्लाह जो है ना इस टॉपिक पर बात करेंगे, आपको क्लियर समझाएंगे कि चारकोल कनेक्टर काम करता क्या है और क्या होता है। ये जो अक्सर आपने देखा होगा इंजन कंपार्टमेंट वाली साइड पर, ये काला सा डब्बा लगा होता है। ठीक है, ये काला सा डब्बा ये आप देख सकते हैं, ये अक्सर गाड़ियों में लगा होता है। ये जो है ना करोला में होता है, फ्यूल पंप वाली साइड पे होता है। ठीक है, फ्यूल फिल्टर जो असम्बली होती है उसमें होता है चारकोल कनेक्टर। मेहरान का इधर होता है, कल्टस का भी इधर होता है। ठीक है ना, डिफरेंट मॉडल में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर होता है। लेकिन आपको इसका तरीक़ेकार का पता होना चाहिए, क्यों लगा होता है, क्या इसका तरीक़ेकार है, और ये कब ऑन होता है, और ये अब ख़राब हो जाए या कोई चोक हो जाए तब इसमें कौन कौन से मसले मसाइल आते हैं गाड़ी में। ठीक है ना, तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करनी, ताकि आपको ए टू जेड तक सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं इस चारकोल कनेक्टर के। चारकोल कनेक्टर इसलिए लगाया जाता है जो हमारी टैंकी में प्रेशर बनता है। ठीक है ना, हम वो अगर हम एक पेट्रोल की बोतल में जो है ना बोतल में पेट्रोल भर लें, अगर उसे हम मिलाएं तो उसमें प्रेशर बन जाता है। सेम एज इट ये हमारी टैंकी में भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है ना, टैंकी में पेट्रोल होता है, जैसी गाड़ी हिलती है या धूप पर खड़ी होती है। ठीक है ना, जैसे गाड़ी धूप में खड़ी होती है टेम्परेचर उसका हाई होता है। ठीक है ना, उसमें टैंकी में प्रेशर बन जाता है। अक्सर हम पीछे पेट्रोल का ढक्कन खोलते हैं तो प्रेशर की आवाज़ आती है, एयर रिलीज होती है। ठीक है ना, तो उस प्रेशर को जो है ना ये चारकोल कनेक्टर में इसका प्रेशर आ रहा होता है। ठीक है ना, फ्यूल का जो प्रेशर होता है उसमें फ्यूल के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, पार्टिकल इसके अंदर चारकोल होता है, चारकोल इसके अंदर गोलियाँ होती हैं छोटी छोटी, उसका नाम है चारकोल। ठीक है, जब भी वो चारकोल जो है ना फ्यूल का जो है ना पार्टिकल जो होते हैं इस चारकोल के अंदर आते हैं तो जो है ना इसमें चिपक जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रेशर आ जाता है, जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वैक्यूम कुप्पी लगी होती है, इसे VSV वाल्व भी कहते हैं, वैक्यूम स्विचिंग वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग के दौरान ना 5 सेकंड के लिए इसे करंट मिलता है और ये वाल्व ओपन होता है। जैसे ये वाल्व ओपन होता है तो जो है ना इसमें जितना भी प्रेशर है ना वो सीधा इनटेक में आ जाता है। ठीक है, इनटेक में जैसे ही आते हैं जो है ना इसकी स्टार्टिंग जल्दी फोर ही स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। ठीक है ना, इससे यह है कि गाड़ी आपकी यकदम स्टार्ट हो जाती है, स्टार्टिंग लंबी नहीं होती। अगर आपकी गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, लंबी स्टार्टिंग हो रही है, तब जो है ना आप इसका चारकोल कनेक्टर चेक करें। ठीक है ना, इसकी वैक्यूम पंप चेक करें, VSV वाल्व चेक करें। ठीक है, ये चारकोल कनेक्टर चेक करें कि आपका चारकोल कनेक्टर सही काम कर रहा है या नहीं। ठीक हो गया ना, चारकोल कनेक्टर अगर आपको इसकी लाइनों के बारे में समझाऊं तो ये एक लाइन ये जो है ना ये चारकोल कनेक्टर में आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन ये चारकोल कनेक्टर में आ रही है। ठीक है, ये वन वे वाल लगा हुआ है, ये चारकोल कनेक्टर में ये वाल इसलिए लगा होता है, ये सिर्फ जो है ना प्रेशर आगे आ सकता है, वापस नहीं जा सकता। ये देख सकते हैं, ये प्रेशर यहाँ से आगे आएगा, ये वापस नीचे नहीं जाने देता, ये वाल उसके लिए लगा होता है। इस वाल्व को कहते हैं वन वे वाल्व। ठीक है, ये प्रेशर टैंकी का सीधा इसमें आएगा। ठीक है, इसमें चारकोल जो होता है गोलियां होती हैं उसमें जो है ना फ्यूल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर जम जाते हैं। ठीक है ना, जैसे हम सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी ये जो ना ये VSV वाल्व ओपन होता है, जैसे VSV वाल्व ओपन होता है यहाँ से प्रेशर जाता है सीधा थ्रॉटल के आगे, जैसे थ्रॉटल के आगे जाता है हल्का सा जब हम स्टार्ट करते हैं फ़ौरन ये जो है ना गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, जब भी आपकी गाड़ी मसला कर रही हो, स्टार्टिंग में कोई मसला हो, तो आपने ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है। लोग इसे बहुत इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो इसे इग्नोर नहीं करना, ये वो ये जो है ना बहुत ही काम की चीज़ है। अक्सर अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो अक्सर जो है ना हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, हल्का सा जो है ना हम थ्रॉटल की साइड से ना पेट्रोल सिंगाते हैं। ठीक है ना, अगर लोकल में हम तो पेट्रोल सिंगाते हैं, वो क्यों सिंगाते हैं, ताकि गाड़ी स्टार्ट जल्दी हो। ठीक है ना, इस चीज़ से आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा कि ना ये हल्का सा फ्यूल के पार्टिकल यहाँ से आते हैं, यहाँ तक जाते हैं ना, जैसे ही यहाँ पर फ्यूल के पार्टिकल आते हैं ये गाड़ी फ़ौरन फट होकर स्टार्ट हो जाती है। ये है इसका फ़ायदा। ठीक है ना, इससे यह है कि फ्यूल की एवरेज बेहतर होती है। ठीक है ना, गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। ठीक है ना, स्टार्टिंग जो है ना बहुत जल्दी हो जाती है, और ये इसका तरीक़ेकार है सारा। ठीक है ना, ये फ्यूल एवरेज पे जो है इसका बड़ा कंसेप्ट है, फ्यूल एवरेज जो है ना इसकी बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो ये है इसका सारा तरीक़ेकार चारकोल कनेक्टर का। ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी हर गाड़ी का यहाँ पे लगा हो, तो ये जगह जो है ना डिफरेंट भी हो सकती है। किसी का पीछे टैंकी में लगा होता है, ठीक है, किसी का यहाँ पे लगा इंजन वाली साइड पे लगाता है, किसी का नीचे भी लगा होता है। ठीक है ना, बॉडी के नीचे अंडर चेसिस। तो ये है इसका सारा तरीक़ेकार, इसे कहते हैं चारकोल कनेक्टर। ठीक है ना, इसके तीन पाइप होते हैं, नीचे जो है ना खाली एक एयर का होता है, ये खाली एयर का है, ये जो पीछे से आ रहा है, और ये जो है ना आगे जा रहा है VSV वाल्व पे, VSV वाल्व से पाइप एक जा रहा है सीधा इसमें थ्रॉटल में।
ठीक हो गया। ये इसका सारा तरीक़ेकार है। तो ये ना अगर कंप्लीट समझ आ गई तो ठीक, अगर ना समझ आए किसी चीज़ की तो जो है ना आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका डिटेल वीडियो जो है ना और बना के समझा दूंगा। फिर भी जो है ना कोई मसला मसाला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो जो है ना लाजमी एक दूसरे से शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज एक दूसरे से शेयर किया करें ताकि जो है ना दूसरे भाइयों का भी फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।